गाइस कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपिका माय फ्रेंड्स में और मैं दीपिका साथ साथ आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, कैसे हैं और सब ठीक ठाक होंगे। गर्मी का टाइम चल रहा है और जिन लोगों को वेट लॉस करना है उनके लिए तो ना गर्मी है ना सर्दी है, उन्हें तो अपना वेट लॉस करना ही करना है और जिनको वेट गेन करना है उनको भी वेट गेन करना ही करना है। तो फिर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, यह है ब्राउन राइस। कहते हैं कि ब्राउन राइस से वेट बहुत जल्दी लॉस होता है, तो ये कैसा होता है दिखने में। ये जो ब्राउन राइस है देखने में इस तरीके का होता है, बिल्कुल ब्राउन कलर का होता है और ये बहुत सारी कंपनियों के ब्रांडेड आते हैं, कोई सी कंपनी का आप ले सकते हो। इनकी एक खासियत ये होती है कि ये जितने भी चावल हैं के दाने देख रहे हो आप, सब एक ही नाप के मिलेंगे, एक ही साइज इनका होता है और ये ना छोटे होते हैं ना बड़े होते, सारों का साइज एक ही होता है और ये बिल्कुल ब्राउन कलर के होते हैं। जब आप इनको धो लेते हो तब भी ये इसी कलर के रहते हैं और इनको आप कई घंटे तक भिगोते हो उसके बावजूद भी ये जब आप बनाते हो तो हार्ड के हार्ड ही रहते हैं, सॉफ्ट नहीं होते जैसे कि वाइट राइस सॉफ्ट हो जाता है। और जब ये हार्ड होता है तभी आपको भूख कम लगती है और आपका पेट भरा भरा सा रहता है जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होता है। तो ब्राउन राइस की ये खासियत होती है और ये देर में आपको देर से डाइजेस्ट होता है, ठीक है। जब आपको देर से डाइजेस्ट होगा तो आपको भूख नहीं लगेगी और आपको जब भूख नहीं लगेगी तो आपका वेट लॉस होने लगेगा। तो ब्राउन राइस को इसीलिए लोग खाते हैं कि अपना पेट भरा भरा सा रहे और उनको ज़्यादा खाना भी ना पड़े। और आप इतना एक कटोरी अगर खाते हो तो आपको उससे आपका पेट बहुत देर तक भरा रहता है, एक पूरा आपका ये लंच डिनर जो भी है ये एक कटोरी होता है। लेकिन हम आप ऐसा मत सोचो जो लोग ब्राउन राइस नहीं खाते हैं, अगर वाइट राइस खाते हैं, ये वाइट राइस है, वाइट राइस में बहुत तरीके के आते हैं आप लोगों को पता ही है, ये मत सोचिएगा कि जो लोग ब्राउन राइस खाते हैं उन्हीं का वेट लॉस होता है, जो वाइट राइस खाते हैं उनका वेट लॉस नहीं होता है। वाइट राइस से भी आपका वेट लॉस होता है, पॉलिश करा हुआ होता है। आपको नॉर्मल वाला चावल खाना है, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए और उसकी जो वाइटनिंग है ना, जो वाइटनिंग है वो कम होनी चाहिए क्योंकि जो पॉलिश वाला चावल होता है वो ज़्यादा वाइट होता है, ये इस तरीके का ज़्यादा वाइट होता है, तो वो आपको नहीं खाना चाहिए। और नॉर्मल चावल आपको खाना चाहिए जो मार्केट में आपको यानी कि कम रेट का भी मिलता है और कम पॉलिश का करा हुआ मिलता है, वो वाला चावल अगर आप खाते हैं तो आपका वेट लॉस होता है। बहुत से लोगों का, अगर आप लोग को ब्राउन राइस नहीं खाना है क्योंकि ब्राउन राइस हर कोई हजम भी नहीं कर सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता। जो लोग जिम वगैरह करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और बहुत ही ज़्यादा डाइट पर ही रहते हैं तो वही लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ब्राउन राइस को। तो इसलिए आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ब्राउन राइस लीजिए। आप वाइट राइस से भी अपना वेट लॉस कर सकते हो, वाइट राइस आप खाइए, लेकिन आपको जो आप जिस बर्तन में खाते हो वाइट राइस, तो आपका वो जैसे आप किसी कटोरे में वाइट राइस खा रहे हो तो वाइट राइस जरा सा होना चाहिए और दाल या दाल से खा रहे हो या सब्जी से खा रहे हो तो वो पोर्शन आपका ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि आप इस कटोरे में खा रहे हो, इससे तो बड़ा ही कटोरा होगा, तो इस यहाँ तक अगर आपकी दाल है तो चावल इसमें इतना सा पड़ा हुआ होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप वाइट राइस खाते हो तो आपको कभी भी नुकसान नहीं करता है और सब्जियों के साथ खाते हो तो वो भी नुकसान नहीं करता है। और वाइट राइस और ब्राउन राइस में क्या फ़र्क है वो दिखाती हूँ मैं अभी आपको, तो देखते हैं। अगर हम ब्राउन राइस और वाइट राइस का न्यूट्रिशन वैल्यू करते हैं तो जितने एक कप में बनने के बाद, जैसे ब्राउन राइस में जो कैलोरीज होती है 220 होती है और वाइट राइस में 205 होती है, कार्ब जो होते हैं वो 44.6 ग्राम होते हैं और वाइट राइस में 42 ग्राम्स होते हैं, फाइबर जो होता है वो 3.2 ग्राम होता है ब्राउन राइस में और वाइट राइस में आपका होता है 1.1 ग्राम और प्रोटीन आपका होता है 4.8 ग्राम और वाइट राइस में आपका प्रोटीन होता है 3.9 ग्राम। तो इसलिए इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है, जो डिफरेंस जो है वो ज़्यादा नहीं होता है। और आप एक भरपूर प्लेट अगर सही से खाना खाते हो, आपकी प्लेट भरी हुई होती जैसे ये प्लेट भरी हुई है, तो इसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं क्योंकि आपके इसमें दही भी है, कैल्शियम भी है। आप दही खाते हो दही से आपको पूरा कैल्शियम मिल जाता है, दाल खाते हो दाल से आपको पूरा प्रोटीन मिल जाता है, सब्जियों में सारे न्यूट्रिशन है। तो इसलिए आपकी ये थाली पूरी ब्राउन राइस से भी अच्छी है। और अगर आप राइस खाते हो तो उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए और दाल की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे ये है। आपको दिखाया कि ब्राउन राइस और वाइट राइस में कितना यानी क्या फ़र्क है। तो डाइट जो लोग ब्राउन राइस खा रहे हैं उनको क्या बेनिफिट होता है, जो वाइट खा रहे हैं उनको क्या बेनिफिट होता है,
दोनों को ही बेनिफिट होता है। आप ना वेट लॉस दोनों ही राइस से कर सकते हो, जिनको ब्राउन राइस नहीं मिल रहा है या जो नहीं खाना चाहते, क्योंकि ब्राउन राइस का टेस्ट अच्छा नहीं होता है, वो कड़क कड़क सा होता है, गलता भी देर से है वो, और कड़क भी होता है, उसको आप कई घंटों पहले भिगोइए तब भी वो फूलता नहीं है, वैसा का वैसा ही रहता है और बनता भी ऐसे ही हार्ड। तो मैंने आपको बताया हार्ड इसलिए होता है क्योंकि हार्ड होता है वो, तो इसीलिए वो देर से डाइजेस्ट होता है। लेकिन वाइट राइस आप खाते हो तो आपका बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है और उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो आपको बेनिफिट भी देते हैं। और वाइट राइस आपको आसानी से भी मार्केट में मिल जाता है, जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। ऐसी ही छोटी छोटी सी जानकारियाँ मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा, और मेरी एडवाइस आप लोगों को कैसी लगती है, आप लोग मेरी एडवाइस फॉलो करते भी हैं कि नहीं करते हैं, मेरी एडवाइस आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। मंडे के दिन मैं लाइव आती हूँ, और मंडे के दिन मैं लाइव आती हूँ शाम को 4 बजे, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को देखिएगा और मेरे से जो भी क्वेश्चन वगैरह आपको पूछने हो तो पूछ सकते हो आप मेरे से, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।